तो मुझे लगता है मथुरा पे और होगा, क्योंकि बेसिकली इसको चलाया है मथुरा के लिए और बिल्कुल सही टाइमिंग पे इसको एक्सटेंड किया गया। 7 सितंबर अभी आएगी, तब जन्माष्टमी है, तो कृष्ण जन्माष्टमी पे मुझे लगता है काफ़ी लोग वहाँ पे आएंगे, तब तो बहुत रश रहेगा इसमें वगैरह। मतलब चलो उतार के सोता हूँ सुबह, तो अभी मैंने नीचे देखा तो शूज़ मेरे थे ही नहीं भाई, अभी मेरे को इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा यार। दोस्तों क्या हाल चाल है आप सभी के। तो भैया अभी मैं ना जिस जगह पे हूँ ना रेलवे स्टेशन पे, एक बार ना आपको साइड पे जाके दिखाई देता हूँ कि जो ये ट्रेन चल रही है ना, मतलब कि इसके लिए कितना क्राउड है देख लो। अभी तो कुछ नहीं भाई, आप जरा गौर से देखना भाई, पूरा स्टेशन पर ही प्रोग्राम हो रहा है अभी तो। चलो क्योंकि आज जो होशियारपुर पंजाब से एक ट्रेन शुरू होने जा रही है, ये जाएगी वृंदावन के लिए, वैसे तो आगरा कैंट तक हो रही है जी हाँ, ये वाली ट्रेन 140 11 और 12 आगरा कैंट होशियारपुर, मतलब पहले तो दिल्ली होशियारपुर बोला करते थे। और इस ट्रेन के लिए ना मैं अभी स्पेशल मतलब लुधियाना से यहाँ पर आया हूँ, और मुझे पता है मैं कैसे, अभी तो आधा घंटा ही बचा है इसके निकलने में, सांस ले लूँ यार, क्योंकि देखो मैं बस से आया था, बेसिकली जलंधर आया, पहले मैं जलंधर से यहाँ आया और बाहर उतर गया था, मतलब मान के चलो 1.5 किलोमीटर वॉक करके आया हूँ स्टेशन पर, और यहाँ के ये मतलब जो प्रोग्राम देखा ना, आधी थकावट उतर जाती है यार, क्योंकि इसके लिए ना काफ़ी वेट करना पड़ता है ऐसी सब चीज़ों के लिए, क्योंकि आजकल हो कह रहा है कि रेलवे में ना ज़्यादातर ऐसा ऐसी सब चीज़ें ना आपको वंदे भारत पे ही किसी मतलब जो वंदे भारत के इनॉग्रल पे ही ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन ये तो नॉर्मल गाड़ी है, क्योंकि नॉर्मल पैसेंजर भी ऐसी फील ले सकता है। और अगर मैं बाहर का अगर आपको माहौल दिखाऊं, तो बाहर भी मतलब एक तरीके का मतलब प्रोग्राम ही हो रहा है, क्योंकि पूरा स्टेशन एक तरीके से ना मतलब थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया, और यहाँ पर पूरा एक दरबार सा लगा हुआ है, यानी देखा जाए तो लोग दूर दूर से जो होशियारपुर के जो लोकल लोग हैं वो इस ट्रेन को देखने के लिए आ रहे हैं कि पहले दिन ये ट्रेन चल रही है, तो मुझे लगता है यहाँ के लोग तो काफ़ी डिमांड है, तो जो देखने आ रहे हैं आज तो वो भी कभी ना कभी सोचेंगे इस ट्रेन में ट्रैवल करने का, और मतलब यही तो पैसेंजर से ज़्यादा तो यहाँ के लोकल लोग एक्साइटेड हैं। तो भैया यहाँ पर देख लो, जिस चीज़ को सजाना चाहिए ना वो चीज़ सजाई आज इंडियन रेलवेज ने, एल्कोस लोकोमोटिव यार, जो चीज़ें एलिमिनेट हो रही हैं धीरे धीरे करके, मज़ा आएगा। लेकिन दिक्कत यह मेरा कोच पीछे को है, चगिंग साउंड तो नहीं आ पाएगी, और फ़र्क ये है मतलब दिक्कत तो एक और भी है, क्योंकि ये जलंधर सिटी तक ही जाएंगे और उसके बाद जाके कोच मेरा आगे आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी आज, क्या हुआ सरप्राइज़ दिया गया भाई ने, भाई अंकुश नाम है इनका, क्या हुआ मतलब अभी तो चलो मैं रिकॉर्ड कर ही रहा था, तो भाई ने एकदम से आगे मतलब बोल दिया, मैंने पीठ देखी इनकी, मैंने कहा ये तो अपने नॉर्थन वाले भाई, फिर मैंने पहचान लिया कि ये वही भाई हैं, क्योंकि इनकी वीडियो मैं देखता हूँ, अभी मंगला की वीडियो देखी थी, तो बढ़िया वीडियो बनाते हैं। बाकी बताओ कि यहाँ का कैसा लगा आपको माहौल? भाई माहौल तो बढ़िया, बाकी पीछे का तो चलो नॉर्मल ही है, पीछे तो अब नॉर्मल है, बाकी वहाँ पे क्या है कि अभी हम लोग पीछे इसलिए आए क्योंकि वहाँ पे बहुत क्राउड है यार, क्योंकि पासेज के लिए थोड़ी दिक्कत हो रही थी, ये है बाकी मतलब सजावट तो काफ़ी की है, और पैसेंजर से ज़्यादा तो मतलब लोकल लोगों में ज़्यादा इंसान है, वो तो मैंने बताई है। अभी बाकी है कि ज़्यादा चलने में इसके टाइम नहीं, 15 मिनट बचे हैं, इसीलिए मैं पीछे ही आ गया हूँ। पहली बार देखा यार वैसे तो मतलब इतना सेलिब्रेशन तब होता है जब मतलब प्राइमरी मेंटेनेंस से ट्रेन जब चल रही हो, मतलब जब आगरा कैंट, क्योंकि प्राइमरी मेंटेनेंस है ना इसकी, लेकिन अब क्या कि क्योंकि इसकी डिमांड इसी से इस जगह से आई, मतलब मेरे को तो 2 हफ्ते पहले से ऐसा नोटिस आया था, एक रील में मैंने देखा था कि होशियारपुर से मथुरा तक डायरेक्ट ट्रेन मिलेगी आपको, तब आया था कि ये मथुरा तक होगी, लेकिन फिर इसको आगरा कैंट तक अभी नोटिस फाइनल आ गया था जब, तो इसका यह है कि यहाँ के लोगों ने डिमांड की थी कि इसको मथुरा तक किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोग क्या है कि उनको फगवाड़ा जलंधर जाना पड़ता था मथुरा के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए, वहाँ से तो बहुत है, यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन कोई वृंदावन मथुरा के लिए नहीं है। चलो बेटर कनेक्टिविटी मिल गई यहाँ के लोगों को, कि बहुत बहुत बधाई हो होशियारपुर वासियों, दोआबा के रीजन से कोई ट्रेन मथुरा के लिए चल रही है, और पंजाब के लोगों में तो मतलब ऐसे बहुत उत्साह होता है ट्रेन को लेकर के। अंकुश भाई बोल रहे थे कि यहाँ पे जो भी पूरा जो ये है ना मतलब एक तरीके का भेंट हुआ था, अभी जो वृंदावन के लिए जो जाएंगे वो मतलब मथुरा के लिए, तो अच्छी बात है, चलो एक बढ़िया ट्रेन मिल गई है, क्योंकि होशियारपुर से इकलौती लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन यही चलती है, और अब तो चलो मथुरा तक होगी। अब पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब तो चलो इसमें वैसे S1 से लेकर S5 तक इसमें स्लीपर है, B1 से लेकर B2 या B3 मतलब 2 या 3 3 टायर है, 1 2 टायर और 1 HA1 है, तो जहाँ तक मुझे लगता है पब्लिक डिमांड तो बहुत बढ़ रही है, क्योंकि आज तो फुल जा रही है ट्रेन ये, तो आगे चल के हो सकता है कि इसमें कोचिस बढ़ा दिए जाए, वैसे तो ये छोटी ट्रेन है, ज़्यादा बड़ी ट्रेन है भी नहीं। तो चलो भाई लगभग 2-3 बार दोबारा रुकने के बाद, वैसे तो हो गया था इसका टाइम से, अब ये रुक बहुत रही है क्योंकि नौकरी रहना, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें होती रहती हैं ना। यहाँ से आप एक पूरा ओवरव्यू ले सकते हो कि क्या क्या प्रोग्राम हुआ था स्टेशन पे। इतनी सारी पब्लिक गैदर हुई थी आगे सिर्फ इसके डिपार्चर को देखने के लिए भाई।
ले लो भाई और यहाँ खराब ना रेलवे धनकुश। थैंक यू भाई। मतलब इतना ज़्यादा एक्साइट हो गया था, मैं तो भूल ही चुका था कि मेरा कोच तो वो वाला है ही नहीं, दो कोच आगे चला गया था। चलो ये मेरा कोच S5। वैसे देखा जाए तो मैं बताना भूल गया था, मेरी जो सीट है ना 55 तो लोअर मिली है, लेकिन ये RAC में मिली है भाई, क्योंकि दो मतलब कल ही करवाई थी वैसे तो मैंने बुक की है, तो एक दिन पहले बुक करवाऊँगा तो यही सीन होगा भाई। भाई अभी तो चलो इसको निकले को 10 मिनट ही मुश्किल से हुए होंगे। मैंने अपना ना मतलब रात का डिनर वगैरह कुछ नहीं किया था इसके चक्कर में, भागता भागता आया था, मतलब जल्दबाजी में यहाँ पहुँचा था आधा घंटा पहले इसके चलने से। मतलब मैं 7 तो वैसे ले आया था, अभी चलो खाने लगा हूँ 10:40 के करीब, अब जाके टाइम हो रहा है भाई। ये भी बस राजमा ही लेकर आ गया था मैं घर से और 3 रोटियाँ थी। चलो अभी यही है मेरा डिनर भाई, खाता हूँ जलंधर में मिलता हूँ। वैसे भी खुर्दपुर का तो चलो कुछ खास क्या ही दिखाऊँगा। चलो भाई अभी हम तो आ रहे हैं जलंधर कैंट के नज़दीक पे, बाकी यही भाई नई दिल्ली अमृतसर वाली रूट, यहाँ से तो मतलब जम्मू वाला भी अब अलग हो जाएगा आगे चल के। वो लाइन जाएगी जम्मू वाली, लाहौर ही है। वो भाई 11:25 के करीब टाइम हो रहा है और अब जलंधर सिटी पे पहुंच रही है इसका सेकंड हॉल्ट जाएगी, और मेरी जो सीट है ना RAC को पैसेंजर जो मेरे साथ शेयर करने वाले सीट वो भी यहीं से बोर्ड करेंगे। नहीं तो अब तक तो ट्रेन लगभग खाली ही पड़ी थी भाई, यहीं से होनी है फुल। यहाँ पे अब अनाउंसमेंट भी ना लाइव की जा रही है इसकी। 1:40 होशियारपुर से चलकर न्यू दिल्ली मथुरा होते हुए आगरा जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है। चलो भाई एल्को का सफर यहीं ख़त्म हो रहा है, यहाँ से अब रिवर्सल होगा। P5 ही आ रहा है, वो बाहर खड़ा हुआ था। जलंधर सिटी स्टेशन कोड JUC भाई, 5 प्लेटफॉर्म स्टेशन का। इसका देखा जाए दिल्ली अमृतसर रूट का मेन रेलवे स्टेशन है ये। हमारी तो 2 पे आई है और 1 पे जोधपुर जम्मू तवी, मतलब अभी तो भगत की कोठी जम्मू तवी चल रही है। अपने पूरे टाइम 11:45 से ही निकली अब ये जलंधर सिटी से। चलो भाई एक बार स्किप लेने के बाद अब ये जलंधर कैंट पे जाके हॉल्ट करने आ रही है। चलो भाई अभी अगला दिन तो चढ़ चुका है, 12 बजे से ऊपर टाइम हो गया, कैंट पे खड़ी है जलंधर कैंट पे। मैं देख रहा हूँ यार अभी क्या कि ज़्यादा गाड़ी अभी भी भरी नहीं है, खाली ही एक तरह से भरी है। और मैंने जहाँ तक देखा था कि मेरे ऊपर वाली जो बर्थ थी वो जलंधर सिटी से दिखा रहा था, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई आया नहीं है। यहाँ तो हो सकता है कि आया हो पीछे बैठे हों कहीं, जो भी हो
अगर नहीं हुआ तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। अच्छा मेरा मानना है कि यार इसको ना जलंधर सिटी नहीं देना चाहिए हॉल्ट, मतलब जलंधर सिटी की जगह ये होशियारपुर से आकर यहीं से ही रुके और यहीं से इसका रिवर्सल होकर वापस चले जाए। जलंधर सिटी जाते हैं बहुत टाइम वेस्ट होता है, पहले जलंधर सिटी गई थी वहाँ से रिवर्सल लेके यहाँ आई और यहाँ से जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो होशियारपुर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस सिर्फ 38 किलोमीटर है और वाया जलंधर कैंट मतलब सिटी घूम के ये तो इसमें टोटल 48 किलोमीटर अभी तक इसने कवर किया वाया जलंधर सिटी, तो ये थोड़ा लंबा पड़ता है, 10 किलोमीटर का गैप पड़ता है। अभी लगभग 12:30 के करीब टाइम हो रहा है PGW फगवाड़ा पे। अब ये मैंने देखा यार फगवाड़ा का स्टेशन भी मतलब ऐसे ना इन लोगों ने तोड़ा हुआ थोड़ा सा ना इस साइड से, मतलब इस साइड से मतलब कंस्ट्रक्शन में उस साइड से प्लेटफॉर्म थोड़ा ठीक है, बस इस साइड से किया हुआ है इन लोगों ने काफ़ी। बाकी ट्रेन तो भैया अभी खाली खाली सी लग रही मेरे को, मैं तो कहता हूँ बस ऊपर वाली मेरी सीट अभी तक नहीं फिल हुई, ऐसा ही रही मैं तो कहता हूँ। यार मैं पानी की बोतल लेना चाहता था लेकिन आगे कोच है ना तो कोई भी स्टॉल है नहीं, आगे को स्टॉल पीछे को है यार, लुधियाना तक वेट करना पड़ेगा मेरे को पानी पीने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तो भाई ऑन बोर्ड केटरिंग इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है इसमें। भैया 15 मिनट के डिले से ये अब पहुंच रही है गाड़ी लुधियाना जंक्शन पे, 1 बजे से ऊपर टाइम हो गया अब। और लुधियाना पे तो वैसे फिलहाल काफ़ी काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, और ये जो अभी पूरा जो मतलब एक टाइप का पहले था इनको रेनोवेट करके ना ऑफिस बना दिए गए, और आगे मतलब वो जो दिख रहा होगा वो तो वेटिंग रूम बना दे उसको पूरा, मतलब काफ़ी टेम्पररी ऑफिस बनाया और वेटिंग रूम बनाया, बाद में हो सकता है इनको अलग कर दिया जाए। और ये क्राउड चेक करके आप पता लगा सकते हो कि ट्रेन हमारी यहीं से पैक होने वाली है, और ये एक ओपन वेटिंग रूम भी बनाया हुआ टेम्पररी, और एक वहाँ से एंट्रेंस चाहिए और यहाँ तक ही है बस ऑफिस। अगर आप लुधियाना जंक्शन पे कुछ खरीदने की सोच रहे हो ना तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपका कोई सेंटर में है तो या तो पीछे चले जाना या तो बहुत आगे चले जाना बीच बीच में से, क्योंकि सेंटर में ना कुछ आपको स्टॉल नहीं मिलेगा खाने पीने को, ये सारा अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है अभी। मेरा कोच तो भाई लगभग यहाँ से ही पैक होने लगा, और जो मेरी RAC के ऊपर वाली सीट थी ना 56 वो भी ऑक्यूपाइड हो गई थी फगवाड़ा से। यहाँ पर मेरा कोच फिर भी सही जगह रुका था, चलो पानी का बोतल तो जाके ले आया। वैसे हो सकता है कि अगर आप पहली बार लुधियाना आ रहे हो इस सिचुएशन में तो हो सकता है आपको कोई स्टॉल ना दिखे, वैसे तो मतलब कुलचे छोले या पूरी भटूरे छोले तो वैसे वहाँ पर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको पानी लेना है कुछ स्नैक्स लेने तो आपको यहाँ अंदर से ऐसे जाना पड़ेगा, यहाँ पे कोई स्टॉल नहीं दिखेगा इस टाइम पे आपको। बता दूँ यार लुधियाना तो चलो मेरा घर है, लेकिन नहीं भाई अब मैंने सोचा कि अगर इसकी जर्नी करनी है तो मतलब एंड टू एंड ही करूँगा ना, तो बस होशियारपुर से आगरा के एंड तक ही करूँगा इसमें जर्नी, ये मत सोचना कि यहीं उतर जाऊँगा। अभी तो भाई सान्नेवाल क्रॉस कर रही है और हमारा ये कुछ हाल है, एक सीट पे 2 ही अभी पड़े हैं क्योंकि हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है भाई, अभी लेटना पड़ेगा, देखता हूँ ऐसे ही रेस्ट करके जैसे इतना भी होता है, नींद तो नहीं आएगी लेकिन ये है कि साइड लोअर है ना चलेगी गाड़ी तो हवा लगती रहेगी साथ साथ में, तो उस हिसाब से ना मौसम अभी क्योंकि गर्मी बहुत है, पिछली बार मैंने ऊपर वाली बर्थ पे साइड पर मेरी थी तो उसमें नींद नहीं आई थी मेरे को। अब ये चंडीगढ़ होकर के फिर जाएगी, अब देखा जाए तो चंडीगढ़ से आगरा कैंट भी डेली ट्रेन कोई नहीं थी,
ये उसके बाद अब मिली है इसको, क्योंकि सचखंड पिछले साल चलती थी तो वो तो अब जलती जाती नहीं थी, मतलब सचखंड पिछले साल मिली थी, मतलब वो फिर छीन ली गई थी सचखंड। अभी तो मतलब यही ट्रेन निकलौती है जो चंडीगढ़ से भी आगरा कहीं डेली बन के चल रही है। ये जितना भी नींद अगर आती है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही मिल जाऊँगा किसी रैंडम स्टेशन पर। चार बज के 40 के करीब टाइम हो रहा है यार, 40 मिनट ही डिले है। अब अंबाला कैंट पे आई है ये, मैंने चलो थोड़ी बहुत तो चंडीगढ़ मतलब लुधियाना से लेकर अब तक तो सो गया था वहाँ, ये तो चंडीगढ़ होके आई थी। लेकिन ये है कि अब अमृतसर विशाखापट्टनम हीराकुंड और उत्तर संपर्क क्रांति वो इसके आगे चल रही हैं। अब मैं सोचा था पीछे ओवरटेक मिलेगा, लेकिन वो ऑलरेडी आगे जा चुकी हैं, अब ये लेट हो गई है। अब हो सकता है कि ये लेट है तो दिल्ली तक भी ये और लेट हो जाए, और दिल्ली के आगे तो फिर तो लगता ही है कि और लेट हो सकती है, नई दिल्ली के बेसिकली, क्योंकि वो सेक्शन है भी ऐसा ना। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली NCR। बाकी अभी हम लोग उस जगह से पास हो रहे हैं जहाँ से ये ट्रेन पहली टाइम जा रही है यहाँ। वैसे ये ट्रेन इस साइड जाया करती थी पुरानी दिल्ली साइड, लेकिन आज पहली बार ये ट्रेन नई दिल्ली साइड जा रही है। सो ये देखिए, और यहाँ आ रही है अमृतसर स्वर्ण शताब्दी। तो चलो भाई, पहली बार ये ट्रेन अब अराइव कर रही है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। और अब यहाँ से तो भैया ट्रेन हमारी पूरी खाली होने वाली। बस अभी तक इसने 454 किलोमीटर कवर किया है इसने होशियारपुर से लेकर अब तक। बाकी आधा घंटा डिले है, कोच मेरा खाली था तो मैं सोचा बैग लेकर ही आया हूँ यार, क्योंकि भरोसा नहीं आया यहाँ पे ऐसे ही सामान समून इधर उधर हो जाए। फिर इनके LP वगैरह यहाँ से चेंज हो रहे हैं। अब मेरे को ज़्यादा कुछ तो मिल नहीं पाया, वैसे बस यही केक का पैकेट अभी लेकर आए, क्योंकि अभी ब्रश भी किया ना मैंने। देखा आमतौर पर वैसे ट्रेन का स्टॉप नई दिल्ली पे होता है कुछ 15 से 20 मिनट का, इसका सिर्फ 10 मिनट का ही दिया है वैसे एक्चुअल में। अब तो चल लेट आया, 10 मिनट से ऊपर हो गया इसको खड़े को, अभी तो चली नहीं है यार। लेकिन अभी सुबह सुबह एक चीज़ बहुत बेकार सी हुई मेरे साथ, अभी मैंने नोटिस किया कि मैं तो जब रात में सोया हुआ था ना, गेट मतलब गाड़ी अभी खाली हुई है, मतलब एक चीज़ मेरी चली गई। अभी क्या हुआ था कि मैं शूज़ वगैरह मतलब चलो उतार के सोता हूँ सुबह, तो अभी मैंने नीचे देखा तो शूज़ मेरे थे ही नहीं भाई। अभी मेरे को इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा यार, क्या मतलब यार, मतलब जो पैसेंजर ट्रैवल मुझे लगता है साथ करते हैं वो देखते भी नहीं किसका शूज़ है, अंधेरे में नहीं डाल के निकल जाते हैं। और अपने ये तो होगा नहीं कि चलो गलती से मेरे डाल के चले गए, या तो हो सकता है अपने छोड़ जाते, कोई भी नहीं है भाई यहाँ पे। क्या मतलब यार, अभी यही मेरे एक रीज़न है मैं ज़्यादा AC में ट्रैवल करता हूँ, फिर स्लीपर में इसी वजह से मैं कम ही ट्रैवल करता हूँ यार। हीराकुंड का मैंने अभी स्टेटस चेक किया था, मतलब अभी वो तो नई दिल्ली पे है, उसका 8:15 का डिपार्चर है इसका, अभी तो 8:15 भी नहीं हुए, मतलब अभी वो पीछे ही है हमारे से, क्योंकि अंबाला कैंट पे जब पहुंची तब देखा था हीराकुंड हमारे से आगे है, तो इसलिए कहीं ना कहीं उसको पीछे करके आई होगी। वो भी पानीपत रुक के सीधा पहुंची अंबाला, ये पानीपत रुक के और करनाल आई थी रुकती है ये एक दो जगह, क्योंकि इसका टाइम हो सकता पहले तो ये फिर आगे आगे होगी, जो भी होगा हो सकता फिर वो हमको पीछे कर जाएगा, क्योंकि वो 130 पे जानी है फिर आगे। अभी तिलक ब्रिज पे तो रुकी गई है थोड़ी देर के लिए, मैं देख रहा था पीछे एक स्टॉल दिखा था, सोचा कुछ खाने पीने को ले लूँ, मगर लगता मुश्किल ही है भाई। भैया अभी वैसे जनरल में आके बैठा जल्दी बाजी में, क्योंकि ट्रेन चल पड़ी थी, और यहाँ से ये कचौड़ी ली थी मैंने,
और तिलक ब्रिज से तो मेरे को मिल गई थी चाय वगैरह, इसके चक्कर में अब जर्नल में बैठना पड़ रहा है। मैंने तो ट्राई किया था एसी में चला जा, एसी से ही मतलब अंदर अंदर चला जा, गेट ही नहीं खुला उसका, फिर भाग के एसी में आ गया जर्नल में। यार अब वैसे निज़ामुद्दीन के सेंट्रल लाइन तो मुझे लग रहा है रुक जाएगी, लेकिन दिक्कत है नीचे से जाना पड़ेगा फिर, सिग्नल तो रेड ही दिख रहा है अभी भी। चलो भाई अब किसी स्लीपर में तो घुसा, भाग कर आया था वहाँ से, जैसे ही गाड़ी रुकी मैं तो दौड़ पड़ा था वहाँ से, ताकि एसी के कोई भी गेट खुले ना हुए थे वहाँ पे। देखो भैया मैंने कहा था कि हीराकुंड को कहीं ना कहीं से तो निकलवाएंगे, अभी निज़ामुद्दीन पे तो रोका ही हुआ है इसको 10 मिनट से पिछले, और यहाँ पर हीराकुंड भी आ रही है अब। यार यहीं से मुझे लगता है ये 2 मिनट रुक के हमारे से पहले निकलेगी। विशाखापट्टनम हीराकुंड चलो भाई 554 किलोमीटर अभी तक कवर किए हैं, कोसी का ना अब जाकर आइए, ये लगभग 1 घंटे के करीब ही डिले है। और मैं जितना मैं देख पाया हूँ कि कोसी का ना से भी काफ़ी लोग चढ़े हैं, और दिल्ली से भी मतलब मथुरा साइड जाने वाले काफ़ी लोग आज से ही चढ़ रहे हैं इसमें। KSV स्टेशन कोड है इसका, देखा जाए तो हम लोग मथुरा डिस्ट्रिक्ट में तो आ ही चुके हैं, ये उसी डिस्ट्रिक्ट में आया उत्तर प्रदेश में, और NCR जोन तो है ही है। मेरा कोच तो भैया खाली पड़ा ना, तो इस वजह से यहीं पर रहना पड़ता अपने लगेज के पास ही। बाकी अभी लगभग 9:52 हो रहे हैं कुछ, मतलब यार ये तो डिले रहती है, पर मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है अब ये रोज ऐसे डिले रहा करेगी, क्योंकि इस रूट पे रूट है ही ऐसा, मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये रोज़ ना होशियारपुर से जब चलेगी मतलब दिल्ली तक तो सही आएगी, दिल्ली के आगे जाके कहीं ना कहीं मतलब निज़ामुद्दीन ऐसे लेट होया करेंगे। देख लो भाई कोसी का ना पे, मतलब मैं आगे आया था मैं देख रहा था यहाँ पे भी कुछ ना कुछ मनाया जा रहा है, एक छोटा मोटा सेलिब्रेशन टाइप तो हो ही रहा है यहाँ पे भी, तो आप सोच सकते हो कि इस ट्रेन की कितनी ज़्यादा वैल्यू अब होने वाली है आने वाले टाइम में। कैसा ही सेलिब्रेशन हो रहा है, मुझे लगता है मोस्टली रेलवे के स्टाफ ही हैं, और अभी तो मुझे लगता है मथुरा पे और होगा, क्योंकि बेसिकली इसको चलाया है मथुरा के लिए, तो मैं तो रेडी रहूँगा मथुरा के लिए। चलो क्या
वैसे अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ तो भैया इंटीरियर तो इसका बिल्कुल सही साफ सुथरा लग रहा है अभी तक। मैं अगर बात करूँ तो मथुरा आने में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो देखो वैसे तो इसमें कोई हाउसकीपिंग स्टाफ है नहीं, वैसे तो इसमें ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि अगर तो ये आगरा कहीं तक अभी हुई है तो इसमें ज़रूरत पड़ेगी। वैसे तो इसमें ओ बी एच का स्टाफ नहीं है तो ना ही ऑनबोर्ड केटरिंग मिलती है। लेकिन सुबह जब नई दिल्ली आने वाला था तो जब मेरी नींद खुली थी सुबह सुबह सब्जी मंडी के पीछे, तब इसमें मतलब कुछ स्टाफ आ रहे थे। आप ISDC की उन्होंने यूनिफॉर्म पहनी थी ब्लू कलर की जो होती है, तो वो कुछ ना कुछ चाय वगैरह सर्व करने आ रहे थे। तो हो सकता है इसमें, वैसे तो साइड में नहीं शो हो रहा है पे कि इसमें कोई भी केटरिंग है, भले ही ना पेंट्री का रहा ऑनबोर्ड केटरिंग है ना इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, ना ही इसमें ऑनलाइन जो आप केटरिंग करते हैं इसमें वो भी नहीं बुक करते। मैंने ऐप पे ट्राई किया था उसमें शो तो हो रही थी आज, मतलब कल रात को मैंने जब ट्राई किया था इसका मथुरा में इसकी केटरिंग मिल रही थी, लेकिन मैंने वो फिर ट्राई किया नहीं। मैंने कहा पहले दिन अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता, आगे चल के हो सकता है आपको ई केटरिंग में मिल जाए, ऑनबोर्ड केटरिंग में मिल जाए और जो OBHS स्टाफ है इसमें वो भी मिल जाए। ओटा जन शताब्दी चलो भाई राइट टाइम नहीं सही तो तकरीबन एक घंटा डिले ही सही। अब ये गाड़ी पहुंच चुकी है उस जगह पे जिस चीज़ के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है, यहाँ मथुरा जंक्शन पे। यहाँ का प्लेटफॉर्म भी काफ़ी साफ सुथरा है। स्टेशन कोड इसका MTJ। अब देखो भैया कोई से नहीं, देखो मैंने जो लास्ट वीडियो अपनी डाली थी मंगला लक्षद्वीप का पार्ट 2 उसमें भी मैं इसी स्टेशन से क्रॉस हुआ था, और उसके बाद फिर जो अगली जर्नी मैंने अब डाल रहा हूँ उसमें भी इसी स्टेशन से जा रहा हूँ। मैं सोच के बैठा था शायद यहाँ पे भी कुछ थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन होता, लेकिन यहाँ पे तो कुछ हुआ नहीं। चलो बाकी यहाँ पे मैं मुश्किल से 2 मिनट का हॉल्ट होगा मैंने, और भाई इसको तो मतलब आप देखो यहाँ से तो वृंदावन के लोग जाएंगे ही, और बिल्कुल सही टाइमिंग पे इसको एक्सटेंड किया गया क्योंकि आज है 27 अगस्त और 7 सितंबर अभी आएगी तब जन्माष्टमी है, तो कृष्ण जन्माष्टमी पर मुझे लगता है काफ़ी लोग वहाँ पे आएंगे, तब तो बहुत रश रहेगा इसमें। चलो ज़्यादा तो रुकी नहीं है, लेकिन मैं पहले सोच रहा था कि मथुरा उतर जाता क्योंकि क्या है कि आगे मेरे को अभी लखनऊ साइड में जाना है, और मतलब अब जब हो सकता है जब तक मैं पहुँचूँ तब तक मेरी आगरा फोर्ट से एक लखनऊ के लिए गाड़ी जो है वो शायद निकल जाए, तो मेरे को फिर 3 बजे तक वेट करना पड़ेगा आगरा गेट पर, देखना पड़ेगा यार इसके लेट के चक्कर में मेरे को काफ़ी आगे वेट करना पड़ेगा। बाकी होशियारपुर से लेकर के अभी मथुरा तक का इसका 355 रुपये फेयर है जिसमें मैं स्लीपर में जा रहा हूँ, मेरा तो 390 लगा क्योंकि मैंने आगे तक करवाया आगरा कैंट तक का, और थर्ड AC में इसमें है कोचिस उसका आपको कुछ तकरीबन पड़ेगा 960 रुपये और 1365 रुपये आपको पड़ेगा सेकेंड AC का। फर्स्ट AC का भी आधा कोच है इसमें उसका 2285 रुपये पड़ेगा, तो मुझे पता नहीं क्यों लगता आगे चल के इसके थर्ड AC के कुछ बढ़ने वाले हैं, थर्ड AC के भी बढ़ेंगे और स्लीपर का तो बचा नहीं भाई क्योंकि आजकल हो रहा है रेलवे स्लीपर को ज़्यादा प्रेफरेंस दे नहीं रहा, स्लीपर कम करी जा रहा है और थर्ड AC बढ़ा रहा है। हो सकता है स्लीपर भी बढ़ जाए जब LHB होगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है 1-2 महीने तक इसका LHB भी हो जाएगा, अभी तो चलो NR के कोचेस के साथ ही चल रही है, तब NCR का पूरा प्रॉपर रेक बनेगा फिर इसका। अभी आगरा के पास पे तो आ गई है, मथुरा से चली थी तब तकरीबन 1 घंटा लेट थी, अभी 1.5 घंटे के करीब डिले है, फिर भी अच्छा खासा खींच गई है यहाँ तक, लेकिन अभी है कि मेरी लगभग 12:20 पे गाड़ी है आगरा फोर्ट से यार। चलो वैसे अभी एंटर तो करिए, लेकिन बिल्कुल लास्ट प्लेटफॉर्म पर ला के लाया गया इसको, मैं फर्स्ट टाइम कभी आगरा ऐसे लास्ट प्लेटफॉर्म पर किसी ट्रेन पर आया हूँ, और वो खड़ी है फास्टेस्ट वंदे भारत रानी कमलापति निज़ामुद्दीन वंदे भारत, बिफोर टाइम आ गई थी इसीलिए हमको क्लियरेंस दे दिया, नहीं तो अगर ये टाइम पे होती तो हमारी रोक के फिर इसको भी पहले निकलवाना था। आगरा कैंट, चलो भाई 11:23 हुए अब जाके अराइव किया इसने,
लगभग कह लो 648 किलोमीटर्स ने कवर किया होशियारपुर से लेकर अब तक। बाकी यही है यार कुछ आगरा कैंट का सिनेरियो, यहाँ से अब शाम को फिर वापसी चलेगी। वैसे ये गाड़ी 1:40-11 चलती थी ओल्ड दिल्ली से शाम के 6:30 बजे के करीब, और होशियारपुर आपको पहुँचा देते सुबह 5 बजे के करीब। ऐसे अब ये गाड़ी यहाँ से ही 7:30 तो ये यहाँ से चलेगी और फिर 10:25 के करीब रात को नई दिल्ली पहुँचेगी, तो मतलब 9 बजे आराम से पहुँचाएगी आपको होशियारपुर कल। तो इस हिसाब से इसका शेड्यूल मैनेज हुआ है। हाँ मथुरा से तो, क्योंकि यहाँ से तो खाली जाएगी ज़्यादातर, मतलब पैसेंजर तो मथुरा से बोल करेंगे इसको। जो लोग होशियारपुर से ही मतलब मथुरा तक आएंगे उनको एक फ़ायदा कि चलो ये सोर्स होशियारपुर है तो वहाँ से बुकिंग के लिए उनको फ़ायदा आएगा। वो कोटा उनको बोलना, बुकिंग का कोटा अलग होता है ना, जहाँ सोर्स होता है। जो मतलब मथुरा से बुक करेंगे वो फिर क्या करेंगे, एक स्टेशन आगे करवा लेंगे अगर उनको नहीं मिलेगी तो, वो मतलब आगरा कैंट से बुक करवा लेंगे ना, तो ऐसा कुछ सीनेरियो रख लेंगे। यार एक चीज़ के लिए तो अभी भी बुरा लग रहा है यार, मेरे ना शूज़ का बस अब स्लीपर से ही काम चलाना पड़ेगा यार। मतलब मेरे चेहरे से आपको लग सकता होगा कि मेरे को ज़्यादा फिक्र नहीं है, लेकिन यार भाई मैं शो नहीं कर रहा भाई क्या बीती है मेरे पे जब से शूज़ मेरे गए हैं। बाकी अब मैंने IRI पे चेक किया था, इसकी ई कैटरिंग भी अब शुरू हो जाएगी जब आज ये यहाँ से चलेगी। तो बॉस अभी मैं चलता हूँ आगरा फोर्ट पे। बाकी अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि पहले तो मैं होशियारपुर गया था उसके लिए और फिर यहाँ आया हूँ। अब यहाँ से मेरे को आगे लखनऊ के लिए जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर परसों प्रयागराज से मेरी वापसी होगी। तो मिला जाएगा आपसे फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।